नमस्कार दोस्तों, सही मायने में पेट्रोल डीजल की मार से बचने का शोर शॉर्ट तरीका तो यही है कि आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, बाइक्स और स्कूटर्स इस्तेमाल करना बंद कर दें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज में स्विच कर लें। लेकिन कितना रियलिस्टिक है ये करना, क्या आप ये कर सकते हैं? आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रेजेंट करना चाहूंगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और कई स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी स्कीम्स, पॉलिसीज और सब्सिडीज लेकर आई हैं इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करने के लिए। एग्जैक्टली कैसे आप इनका लाभ उठा सकते हैं ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताना चाहूंगा और डिटेल में बाद में चर्चा भी करेंगे कि कितना रियलिस्टिक है आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देखना इंडियन सड़कों पर। आइए जानते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास, इनको खरीदने के कई फायदे हैं दोस्तों। एक तो मैंने आपको बताया ही कि पेट्रोल डीजल को लेकर जब भी लूट मचाई जाएगी यहां पर सरकार के द्वारा, उससे आप बचे रहेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता नहीं होगी कि पेट्रोल डीजल के दाम आज के दिन कितने बढ़े जा रहे हैं। दूसरा, पर्यावरण के लिए काफी बेनिफिशियल है, एयर पोल्यूशन नहीं होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में हर जगह धुआं धुआं हो जाता है, वो काफी कम हो जाएगा आपके आसपास के एरिया में अगर हर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करने लग गया तो। तीसरा, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने में भी ये बहुत मदद करेंगी, क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है और दुनिया भर के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। इनफैक्ट यूके और यूएस जैसी कंट्रीज में तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर नंबर वन सेक्टर है जो ग्रीन हाउस गैसेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को यहां पर इलेक्ट्रिक बना दिया जाएगा तो पेट्रोल डीजल से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट चेंज में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो यही रीजन है दोस्तों कि दुनिया भर की कंट्रीज जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हैं कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को बाहर फेंका जाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इस रेस में सबसे आगे चलने लग रही हैं। इनफैक्ट नॉर्वे नंबर वन पर है। 2020 के ईयर में नॉर्वे में जो नई गाड़ियां बिकी थी 74% वो गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि नॉर्वे में दो तिहाई गाड़ियां जो आज के दिन बिकने लग रही हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकने लग रही हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज लाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए? तो 2017 के अराउंड इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 2030 तक देश में चलने वाली सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। अब इंटेंशन बड़ा अच्छा है, मैं सपोर्ट करता हूं सरकार के इंटेंशन को, लेकिन इतना बड़ा प्रॉमिस करना सुनने में किसी जुमले से कम नहीं लगता। लोगों ने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया और बाद में सरकार एक रियलिस्टिक गोल लेकर आई और कहा कि 2030 तक देश में चलने वाली सारी गाड़ियों में से 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। अब ये गोल मैं मान सकता हूं कि थोड़ा रियलिस्टिक है। इस गोल को अचीव करने के लिए क्या कदम उठाए सरकार ने? सरकार ने कुछ स्कीम्स अनाउंस करी, जैसे कि फेम वन, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके बाद एक फेम टू स्कीम भी अनाउंस करी गई। इन स्कीम्स में बेसिकली लोगों को पैसे दिए जाएंगे, कैश इंसेंटिव दिया जाएगा अगर लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे तो। फेम टू की इंप्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुई और 10,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया 3 सालों के लिए। लेकिन जुलाई 2020 का अपडेट ये था कि 44% टाइम स्कीम ने जो प्लान किया है वो गुजर चुका है, लेकिन सिर्फ 1.4% इंसेंटिव्स को एक्चुअली में इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोग इतने नाराज थे इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन से कि उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन भी फाइल करी इस स्कीम की नॉन इंप्लीमेंटेशन को लेकर, कुछ एनजीओज ने किया था। फेम टू स्कीम का फोकस था कि जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने लग रही हैं, इन्हें सब्सिडीज देना, इन्हें इंसेंटिवाइज करना। लेकिन रियलिटी में हुआ क्या, इन कंपनीज ने कंप्लेन किया कि सरकार ने इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखी हैं कि सब्सिडी को लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। स्टॉप स्पीड क्या होनी चाहिए, इतनी बैटरी कैपेसिटी होनी चाहिए, सरकार ने इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना दिए कि रियलिटी में ये 2019 का आर्टिकल है, इसने बताया कि सिर्फ 5 इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल के मैन्युफैक्चरर्स इस सब्सिडी को एक्चुअली में ले पाए, 95% मैन्युफैक्चरर्स इस सब्सिडी को इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। लेकिन एक बड़ी सिंपल और इफेक्टिव चीज सरकार ने यह करी कि जो जीएसटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगता है उसे 12% से काट कर सिर्फ 5% कर दिया गया अगस्त 2019 में, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। और थैंकफुली कई स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर ऐसे कदम उठाए गए हैं जो इस गोल को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। यहां पर अब मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, तो आप में से जो लोग दिल्ली में रहते हैं इस पार्ट को जरा कान खोलकर सुनिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी इंप्लीमेंट करी जा रही है इस वक्त, वो सबसे अनोखी है
और सबसे सिंपल और इफेक्टिव है, जो कंज्यूमर्स को बेनिफिट पहुंचाती है, सब्सिडी पहुंचाती है। 7 अगस्त 2020 को ये नई दिल्ली इलेक्ट्रिक पॉलिसी अनाउंस करी गई थी। इसका टारगेट है कि 2024 तक जितने भी नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं गाड़ियों के दिल्ली शहर में, उनमें से 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में चलने वाली सारी गाड़ियों में से 25% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। इसका मतलब ये है कि जो 2024 में नई गाड़ियां रजिस्टर करी जा रही होंगी, उनमें से 25% नई रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होगी। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, तो कुछ जबरदस्त सब्सिडीज आपको यहां पर मिलेंगी। पहली सब्सिडी है ₹5,000 पर किलोवाट आवर ऑफ द बैटरी कैपेसिटी जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, अप टू ₹30,000। 30,000 की अपर लिमिट है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी देखकर पर किलोवाट आवर पे ₹5,000 की सब्सिडी है। दूसरी सब्सिडी है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, आपको कोई रोड टैक्स, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरनी। ये करीबन 6,000 से लेकर ₹10,000 तक की बचत हो सकती है। तीसरी सब्सिडी है स्क्रैपिंग इंसेंटिव। अगर आप अपना कोई पुराना टू व्हीलर जमा कराते हैं नया खरीदते वक्त, तो उसके एक्सचेंज में आपको अप टू ₹5,000 मिल सकते हैं। तो एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी, कौन सा स्कूटर खरीदने पर आपकी कितनी बचत होगी टोटल में, ये इनकी सरकारी वेबसाइट खुद बताने लग रही है। इस वेबसाइट पर जाइए ev.delhi.gov.in और इस पर क्लिक कीजिए अप्रूव्ड ईवी मॉडल्स, और यहां पर एक पूरी लंबी लिस्ट है जो जो गाड़ियां मार्केट में मिलने लग रही हैं, जो जो स्कूटर्स बाइक्स मार्केट में मिलने लग रहे हैं, उनका टोटल प्राइस कितना है, उस पर आपकी ये सब्सिडी कितनी लगेगी बैटरी वाली, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में कितना पैसा बचेगा, और स्क्रैपिंग इंसेंटिव कितना होगा। इन टोटल ओवरऑल मैंने देखा है 15-20% डिस्काउंट मिल रहा है आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर। और ये सब्सिडी आप एक्चुअली में क्लेम कैसे कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल काम है। सेम वेबसाइट पर जाइए, इसी में डीलर्स की लिस्ट भी दे रखी है जहां से आप ये गाड़ियां खरीद सकते हैं। अपनी गाड़ी खरीदने के बाद जिससे आपने अपनी गाड़ी खरीदी है वो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड देंगे इस पोर्टल पर लॉगिन करने का। इसी वेबसाइट पर यह पोर्टल भी है, होम पेज पर जाकर लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए, अपने यूजर नेम पासवर्ड को एंटर करिए और नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, और एलिजिबली 3 दिन के अंदर अंदर आपको इस सब्सिडी के पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जब से पॉलिसी लॉन्च हुई है तकरीबन 6,000 लोग इन सब्सिडीज का फायदा ऑलरेडी उठा चुके हैं, लेकिन कोई लिमिट नहीं है। अगले 1-2 साल में जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो आप इन सब्सिडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल ऑब्वियसली उठता है, जो कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते वक्त, कि गाड़ी को चार्ज कहां पर किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के कितने स्टेशन बने, इसका भी इंतजाम करने की कोशिश करी है सरकार ने। सेम वेबसाइट पर आप चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन देख सकते हैं, करीब 70-80 के करीब चार्जिंग स्टेशन हैं, और गूगल मैप्स तक के लिंक डाल रखे हैं इसी वेबसाइट पर कि ये चार्जिंग स्टेशन एग्जैक्टली कहां कहां मौजूद हैं दिल्ली में। इसी डॉक्यूमेंट में ये भी लिख रखा है कि ये चार्जिंग स्टेशंस 24 आवर खुले हैं नहीं खुले, इनके वहां पर कोई क्रू खड़ा रहता है नहीं खड़ा रहता। और इसके अलावा सरकार ने 100 नए चार्जिंग स्टेशंस बनाने का टेंडर भी निकाला है, तो वो भी जल्द ही तैयार हो सकते हैं। और सब्सिडीज के अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी बचत आपकी होगी एक्चुअली ऑपरेटिंग कॉस्ट में। जब आप डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक कार को इस्तेमाल करेंगे पेट्रोल डीजल की गाड़ी की जगह, तो सबसे ज्यादा पैसे तो वहीं बचेंगे आपके, अप टू 85% कॉस्ट में सेविंग आएगी आपकी। एक महीने में अगर आपकी गाड़ी हर दिन तकरीबन 40 किलोमीटर चलती है, तो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट 5-6 हजार रुपए के अराउंड आएगी, और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट उसके लिए सिर्फ 1,000 रुपीज के आसपास आएगी, और दिल्ली में तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी काफी सस्ती ही मिलती है। अब अगला सवाल शायद आपके दिमाग में आएगा कि भाई मेंटेनेंस का क्या, यहां भी चिंता करने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल गाड़ियों। इस वीडियो में दोस्तों मैंने दिल्ली पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि मेरी राय में मुझे दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगी एक आम आदमी के लिए, कंज्यूमर के लिए, और सबसे ज्यादा वेल थॉट आउट लगी। लेकिन और भी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसीज निकाली हैं, जैसे कि कर्नाटका देश की पहली स्टेट थी जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी निकाली थी, लेकिन इनकी पॉलिसी मैन्युफैक्चरर्स पर ज्यादा फोकस करती है, कंज्यूमर्स पर इतना फोकस नहीं करती। महाराष्ट्र में भी एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है जो कंज्यूमर्स पर फोकस करती है बिल्कुल दिल्ली की ही तरह, लेकिन इनकी एक लिमिट है, ये पहले 1,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक के लिए ही अवेलेबल है। तो जो पहले 1,00,000 लोग इस सब्सिडी को क्लेम करेंगे उन्हें सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली वाली जो पॉलिसी है वो सालों तक चलेगी, ऐसा उसमें कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ इतने ही लोग उस सब्सिडी को ले सकते हैं। तेलंगाना में भी एक सिमिलर सी अच्छी पॉलिसी अनाउंस करी गई, दिल्ली की ही तरह इन्होंने भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को हटा दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र की तरह ही यहां पर एक लिमिट सेट करी गई कि पहले 2,00,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को ही ये सब्सिडी मिल सकती है। तो ओवरऑल जैसा मैंने कहा, दिल्ली की पॉलिसी मुझे बेस्ट लगी, सबसे इजी टू एक्सेस लगी कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप अपनी स्टेट की इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी जाके चेकआउट कीजिए और देखिए आपको कौन कौन सी सब्सिडीज यहां पर मिलती हैं।
तो अब आपके पास दोस्तों कोई एक्सक्यूज नहीं है, जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, नई बाइक या नया स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई खरीदने की सोच रहा है, या आपके दोस्तों में कोई खरीदने की सोच रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही खरीदिए। मैंने सारी चीजें लिस्ट आउट कर दी है, बता दिया है डिटेल्ड तरीके से कि किस तरह से आपको सब्सिडी मिल सकती है, इसका फायदा उठाइए और इस पेट्रोल डीजल की मार से बचिए और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को भी बचाइए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि भाई अभी वेट करते हैं, टेस्ला आएगी तो टेस्ला खरीदेंगे, जो दुनिया की सबसे फेमस इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है, इलोन मस्क की कंपनी है। तो मैं कहूंगा इंतजार मत कीजिए, इतनी उम्मीद मत लगाए रखिए, क्योंकि टेस्ला का जो प्राइस है दोस्तों वो 50 लाख से ज्यादा जाता है। और टेस्ला एक ऐसी गाड़ी है जो बाहर मैन्युफैक्चर होगी तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी, 100% तक इंपोर्ट ड्यूटीज लग सकती हैं, जो कि कार के प्राइस को डबल कर देंगी। तो अगर आप करोड़पति नहीं है तो अगले 2-3 सालों में टेस्ला अफोर्ड करना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, इसलिए बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस कर सकते हैं, उन्हें कंसिडर कर सकते हैं खरीदते वक्त। हालांकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहां पर अच्छी खबर जरूर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि टेस्ला प्लान कर रहा है कि वो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज खोलेगा, कर्नाटका को एज ए लोकेशन चूज किया गया है एलिजिडली, और अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो दुनिया भर में आपको मेड इन इंडिया टेस्ला जरूर देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ताकि सब इन सब्सिडीज का फायदा उठा पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में, बहुत बहुत धन्यवाद।